हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। बहुत दिनों बाद वेदांत, हाउ डज इट फील टू इट फील्स ग्रेट। काफी टाइम बाद आया अपन रिकॉर्ड विद बात मी। करने। मैं बहुत दिनों बाद, अच्छा, इट फील्स ग्रेट टू बी बैक विद द ग्रेट फुटबॉल मेडिको। अगर आपने इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो करो सबसे पहले, अमेजिंग चलो चलो, कंटेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट न्यूज, सरप्राइजिंग न्यूज। तो लेट्स टॉक अबाउट हालैंड। व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट हालैंड, एक बंदा जिसने और उसके एजेंट ने पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को हिला रखा है। आई विल से नेक्स्ट 6 मंथ हालैंड से बड़ी कोई न्यूज नहीं होगी। तुम कुछ भी ले आओ, हालैंड से बड़ी तुम न्यूज नहीं बना सकते। वेदांत, आई जस्ट वॉन्ट योर ओपिनियन कि वो कहाँ जा सकता है हालैंड, वेयर इज ही गोइंग। देखो, उसका एजेंट तो कह रहा है कि लालीगा 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 ही जाना है उसको। तो लालीगा में तो दो ही टॉप क्लब्स हैं, मतलब हॉलैंड लेवल टॉप क्लब्स हैं, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। बार्सिलोना का ये था कि इनको डेट बहुत ज्यादा है, तो अब सुनने में आ रहा है दैट बार्सिलोना आर विलिंग टू टेक अ 500 मिलियन लोन जस्ट सो दैट दे कुड अकोमोडेट अ सुपरस्टार अर्लिंग हॉलैंड इन देयर टीम, तो बिकॉज एक चीज लापोर्टा। बता, लापोटा अब वापस लोन लेगा? बार्थोमेयो भी हाँ लोन के चक्करों में गया ना। हाँ बट यू नो द थिंग विद लापोर्टा, इसकी ये सेम चीज वापस दोहराई जा रही है। वो 2003 में जब क्लब में वापस आया था तभी भी बार्सा को फाइनेंशियल इश्यूज थी, और तब जाके भी उसने कितने स्टार्स को बार्सा की टीम में ले आया। सैमुअल एटा को मैड्रिड से छीन के लेकर आ गया, तो उस बंदे में गूदा है। उसको चाहिए कि बार्सा करेक्ट ट्रैक पे रहे, और वो वही करने के लिए वापस आया बार्सा में। हाँ, उसकी दो तीन चीजें बराबर नहीं रही कि वो मेसी को एक्सटेंशन नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, बट ही इज वर्किंग टुवर्ड समथिंग ना। सैलरी कैप कितना उसका रिड्यूस हो गया, मेसी, ग्रीजमन चले गया, स्वारेस चले गया, कितने सारे स्टार्स चले गए। ऑल्दो इट हैजंट बेनिफिटेड बार्सा इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बेनिफिट देम, बिकॉज कितने यंगस्टर्स हैं उनकी टीम में। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हालैंड, आई रियली डू फील, इवन एज अ मैड्रिड फैन मैं कह सकता हूँ कि पेरेस तो चाहता है कि हालैंड एम्बाप्पे आ जाए मैड्रिड में, बट वो ही है मिनो रायोला, ही कैन प्ले अ बिग रोल इन हालैंड्स ट्रांसफर वेर एवर, बिकॉज वो अपने ये प्लेयर को यही सजेस्ट करेगा कि आप ऐसे टीम में जाओ जहाँ पे कोई दूसरा सुपरस्टार भी ना हो, क्योंकि एम्बापे टू मैड्रिड तो कंफर्म है ही यार ना, ये देयर नो दो अनस्टॉपेबल। सुपरस्टार वाली ना बात कभी नहीं चलती। लाइक हाउ कैन यू इवन से ये दो सुपरस्टार होंगे तो तुम सेम टीम में नहीं खेल सकते। इफ यू आर प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड ना, तुम 11 सुपरस्टार्स हो। हम एज फैंस क्लासिफाई कर देते हैं इन टू लेजेंड्स वगैरह ये सब। अगर तुम उस ड्रेसिंग रूम में जाओगे ना, यू कैन नॉट इल ट्रीट एनी पर्सन। तुम अभी बात कर रहे हो कि दो सुपरस्टार हालैंड और एम्बापे होंगे। इफ यू गो इन टू दैट ड्रेसिंग रूम ये ट्रांसफर होने के बाद, तुम क्रूज या मॉडरेज को ये नहीं बोल सकते तुम हमसे छोटे सुपरस्टार्स हो। यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट? तो हाँ, दैट इज वो द कॉन्सेप्ट मेंटेलिटी। अलग जो अगर पैसा मिलेगा तो जाएंगे मेरे हिसाब से, इफ पैसा मिलेगा तो। है। पैसा तो मिल जाएगा उनको, बट वही है, मीनू रायोला विल प्ले अ बिग रोल इन दिस, मेरे को हाँ लगता है। डेफिनेटली। मतलब लाइक एक 30% चांस मेरे को लगता है कि हालैंड कैन एंड अप इन बार्सिलोना, बिकॉज वान लापोर्ता उसने पहले भी ये किया है, वो अभी भी कर सकता है, और बार्सा कैन गेट बैक टू वेयर दे आर। 50 मिलियन स्पेंड कर लिया भाई उसने फेरान टोरेस के लिए। फेरान टोरेस का फ्यूचर ग्रेट है, ऑल्दो उसने करेंटली ऐसा कुछ नहीं करा दैट इज वर्थ 50 मिलियन, बट फ्यूचर तो उसका ग्रेट है ही। डेफिनेटली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। लाइक डिस्कसिंग अबाउट बार्सिलोना ही, तो आई विल कंटिन्यू ऑन उमटीटी। लाइक डू यू फील उमटीटी का कोई सिग्निफिकेंस या फिर कुछ भी, कि उमटीटी अब ट्रस्ट नहीं रहा बार्सिलोना का? वी ऑल नो दैट फैक्ट। इज ही स्टेइंग अकॉर्डिंग टू यू? उसका एजेंट और वो दोनों हेलबेंट है कि उसको बारसा में रुकना चाहिए, एंड दे एक्चुअली वांट अ कॉन्ट्रैक्ट। उसने शायद से अभी रिसेंटली 4-5 क्लब्स को भी रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल, एंड बारसा माइट एंड अप कमिंग इन दैट स्थिति कि वो लोग चैंपियंस लीग में वापस आ जाएंगे, टॉप 4 दिल फिनिश। ये पोगबा नहीं है, हाँ ये तो उमटीटी है। तो इस सेंस इस बात की वही, मतलब उसको लगता है कि वो अभी भी वो टॉप क्लास प्लेयर रह सकता है, यू नो, और इसलिए वो ऐसे डिमांड्स रख रहा है। एंड यू नो, टॉप ऑफ इट ऑल, उसने अब तक एक भी वेज कट नहीं लिया है। नो आई कैन अग्री। चल ठीक है कि तू एक टॉप क्लास प्लेयर होगा, यू फील दैट, और तू फ्रांस के लिए खेलता भी होगा, बट ये हाँ, डिमांड रखना कि आई वांट टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल, आई एम लीविंग बार्सिलोना, इस वजह से कोई नहीं नहीं सेंस नहीं नहीं ही इज नॉट लीविंग बार्सिलोना, जो बाकी क्लब्स थे दे वांट इन द चैंपियंस लीग, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, है। क्योंकि ओके 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 चैंपियंस लीग ओके खेलने मिलेगा। हाँ ओके। नो लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे एक प्लेयर जो सेंटर बैक ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड्रेस क्रिस्टेंसन। लाइक उसकी सिचुएशन ना विल वेरी मच इफेक्ट की उमटीटी की सिचुएशन क्या होती है, ट्रस्ट मी। हाँ एंड डैनिश हाँ मैल्डीनी जो हम क्रिस्टेंसन को बोलते हैं हमारा, हाँ लाइक दैट क्लास प्लेयर इज क्लास डेफिनेटली। अभी वो
चलो रफ पैच से जा रहा होगा, बट ऑन हिज पीक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, एंड आई डू नॉट हेजिटेट टू से कि थियागो सिल्वा से बेटर वो खेल देता है जब वो पीक पे होता है अपनी, व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट. लाइक सो बारसा कैन एक्चुअली कैपिटलाइज, फ्री में मिलेगा प्लेयर, बारसा के लिए उससे बड़ी सिचुएशन नहीं हो सकती. सो आई रियली फील क्रिस्टेंसन शुड गो टू बारसा. चिराग वो भले रफ पैच में हो बट स्टिल अगर वो रफ पैच में भी रहेगा ना ऐसे ही, ही स्टिल द बेस्ट ऑप्शन एट सेंटर बैक फॉर बार्सिलोना. No, definitely. Like तो he should go to Barcelona. बारसा वोंट बी हेसिटेंट टू साइन हिम. तो हेसिटेंट कुछ विल बी इसका दिस क्लब. सैलरी का इशू हो दिस सकता क्लब. है. हाँ हेसिटेंट विल हाँ बी हाँ दिस क्लब. वी आर नॉट गोइंग टू इजीली गिव हिम अवे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है. बट एज अ चेल्सी फैन, इफ यू तुम मुझसे पूछोगे, आई वुड लेट गो क्रिस्टेंसन. तुम इतने ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते क्लब से जो हेसिटेंट रहेगा ना. आई एम विद द क्लब, आई विल बैक द क्लब. अगर वो वेज कट लेने के लिए रेडी है, मतलब जितना वो डिमांड कर रहा है उससे कम लेने के लिए रेडी है, तो आई एम ऑल इन फॉर हिम. बट अगर वो रेडी नहीं है तो आई एम नॉट. भाई बट फिर एक भी ये भी सिचुएशन सोचनी चाहिए ना उसको कि चेल्सी के लिए कौन अभी बारसा को छोड़ेगा. बारसा की सिचुएशन करेंटली देख के यू कैन एंड यू कैन चेल्सी जो कि चैंपियंस लीग जुमा में आ लास्ट रहा सीजन हमारे से गया था वेस्ट टाइम के लिए, बिकॉज इट्स योर ओन रिस्पेक्ट, यू वांट टू प्ले फॉर द क्लब, राइट? सो यू वांट टू प्ले एटलीस्ट. तो वो सिचुएशन खराब नहीं होगी. एंड बार्सिलोना इज स्टिल अ टॉप क्लब. इट्स नॉट कि तुम चेल्सी के पास ही प्रोजेक्ट है. बार्सिलोना रियल आर स्टिल बेटर क्लब्स देन चेल्सी एट द मोमेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, व्हेन यू टॉक अबाउट द रिस्पेक्ट यू विल गेट फुटबॉल इंस्टीट्यूशन वाइज. या अग्रीड. या डेफिनेटली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, लाइक आई लाइक टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टियन एरिक्सन एज वेल हियर. सॉरी, उसको इंटर मिलान के साथ उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा. टू बी स्पेसिफिक, डिफिब्रिलेटर की वजह से वो करा, क्योंकि सीरिया ए डज नॉट अलाउ यू टू प्ले विद द डिवाइस, डेफिनेटली. सो बार्सिलोना माइट आई हिम, इधर रियल मैड्रिड कुड आई हिम, अ टॉप क्लब कैन आई हिम, बिकॉज ही विल ब्रिंग यू द एक्सपीरियंस. इफ इन केस वो जावी के पास आता है ना, उसके ड्रेसिंग रूम में वो एक्सपीरियंस आएगा. द रीजन यू ब्रॉट डैनी एल्वेस, द सेम रीजन यू कैन ब्रिंग इन फॉर एरिक्सन, एंड मे बी एरिक्सन इज मच यंगर देन हिम, सो ही कैन इवन पुट दैट एक्सपीरियंस ऑन पिच एज वेल. एल्वेस वुड डू इट इन द बैक रूम, बट क्रिस्टियन एरिक्सन कैन डू दैट ऑन द पिच एज वेल. एंड नाउ मूविंग ऑन टू मोराटा, द स्नेक, द न्यू स्नेक इन द हाउस. उसने एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेल लिया, रियल मैड्रिड के लिए तो वो ऑब्वियसली एक लेजेंड है, आई विल से. एंड नाउ ही इज गोइंग टू बार्सिलोना, ही वांट्स टू गो टू बार्सिलोना रादर. वेदांत, इज दैट हैपनिंग? भाई वो चूहा है या सांप है मेरे को समझ नहीं आता वो क्या है. मतलब उसको जो भी क्लब में जाना होता है वो ये आके बोल देता है, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फॉर दिस क्लब. आई एक्चुअली डू सी हिम साइनिंग फॉर बार्सिलोना क्योंकि उनको एक स्ट्राइकर चाहिए एंड अल्वारो मोराटा, हम जितना भी उसका मजाक उड़ा ले, ही इज द बेस्ट चॉइस एज अ स्ट्राइकर फॉर देम करेंटली इन द क्लब. तो लेट मी कम टू माई नेक्स्ट न्यूज दैट सेज कि अब एलेग्री ने आके बोला कि मोराटा नहीं चाहिए, नहीं जाएगा. तो बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन एंथनी मार्शियल, एंड मार्शियल वॉन्ट्स एन आउट. बट लिवर यूनाइटेड का लास्ट स्टैंड जो मैंने रीड करा था ट्विटर पे वॉज की मार्शियल को ले जाओ, लेकिन 100% फीस तुम पे करोगे और एक लोन फी भी देनी पड़ेगी. सेविया के साथ इसलिए नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम आ रही है. सो विल बार्सिलोना एक्चुअली डू दैट? उन्होंने फेरान टोरेस की साइनिंग के लिए, सॉरी डैनी एल्वेस लेटेस्ट साइनिंग अनाउंस करने के लिए, दे हैड टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. सो अब वो मार्शियल वाली चीज हो सकती है या नहीं, आई डू नॉट नो, बट डेफिनेटली मार्शियल कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन. Barca definitely needs squad depth and quality squad depth first of all. So I do see Martial going to Barca, but unlikely hai because abhi United ki bhi situation hame dekhne ko mil rahi hai ki unka system nahi chal raha hai. Matlab bahut zyada uncertainty chal rahi hai United mein. To kuch bhi ho sakta hai, abhi kuch bhi keh sakte hain. Definitely. Like ab thodi discussion Real Madrid pe bhi kar lete hain. Like one player jo linked hai, unko chahiye midfielders and one of the best prospects right now, young prospects alongside Camavinga. Like agar ye player aa jata hai, it is done for years, I'll say. Frank Kessie. Lekin mujhe nahi pata tum Kessie aur Camavinga dono ko kyun chahte ho, but agar tum le aate ho to that is the best partnership jo tum next 5 to 10 years mein witness karoge. Completely agreed with you. Frank Kessie aur Camavinga almost similar play styles hain dono ka. बट द थिंग इज कि कमाविंगा को भी गेम टाइम उतना नहीं मिल रहा है कैसेमीरो के चक्कर में, एंड कैसेमीरो अपनी पोजीशन तो रखेगा ही रखेगा, 29-30 का ही है वो, इतना ओल्ड भी नहीं हुआ है. तो पता नहीं फ्रैंक ऐसी लेंगे भी हम कि नहीं, या फिर एसी मिलान विल एंड अप एक्सटेंडिंग हिम, कुछ अभी इसका सर्टेनिटी नहीं है. मेरे हिसाब से तो ये बहुत डाइसी है.
सो एनी अदर न्यूज़ तेरे पास मैड्रिड की न्यूज़ हो टू सम अप द वीडियो? Yeah, I do have. There is this exciting Belgian prospect. His name is it's tough to pronounce. Charles de Ketelaere. पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है. क्लब ब्रूज का प्लेयर है ये, ठीक है. और ही इज अ मिडफील्डर एंड ही इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड. कह रहे हैं कि विंटर ट्रांसफर में ही उसको उठा लेंगे. ऑल्दो कार्लो एंचेलोटी डजंट वांट एनी डिपार्चर्स एंड एनी अराइवल्स, उसने क्लियरली बोल दिया है क्लब से. बट लेट्स सी क्या होता है. मिडफील्ड एक प्रॉब्लम हुई है ऐसी ना, चीज है हमारी एंचेलोटी पापा जहाँ नहीं है, पापा पे. पेरेज है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी है. तो पापा पेरेज जो चाहता है वही होता है मड्रिड में. तो देखते हैं क्या होता है. मड्रिड का ये एक थॉट है कि क्रूस मॉड्रिच कैसेमिरो जितनी क्वालिटी बेंच में नहीं है हमारे हमारे पास मिडफील्ड में, तो वो ही देख के वो लोग फ्यूचर को आए कर रहे हैं. डेफिनेटली इट वाज ऑल वी एक्चुअली कुड डिस्कस फ्रॉम द लालीगास बिग ट्रांसफर्स फ्रॉम लालीगा, ऑब्वियसली द टू क्लब बार्सा एंड रियल मैड्रिड। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट कॉमेंट योर ओपिनियन कि हमें क्या ठीक लगता है। थैंक यू वेदांत, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टिल हेयर, थैंक यू।